2007 हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में एनआईए की कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत न होने की वजह से असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें, 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज रविंद्र रेड्डी ने कुछ देर बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया। जम्मू के शोपिया जिले की सेना में एक जवान ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया। शोपिया जिले के साफ नगर गांव का रहने वाला इदरीस सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इफेक्ट्री इकाई में था। बताया जा रहा है कि इदरीस झारखंड में ट्रांसफर किए जाने से नाराज था, जिस वजह से उसने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। 3 तलाक हलाला के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। सीआईयूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवानी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने इस्लाम के नाम पर चांद तारे वाले हरे झंडे लहराने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। रिजवानी ने कहा कि ये झंडा 1906 में बनी मुस्लिम लीग का था, जो 1946 में खत्म हो गया था। रिजवानी ने कहा कि इससे मिलता जुलता पाकिस्तान का झंडा है। इस्लाम के नाम पर ऐसे झंडे इमारतों की छतों पर फहराना दरअसल अपने देश की संविधान स्वतंत्रता और संप्रभुता का उल्लंघन है। कठुआ गैंगरेप हत्याकांड के बाद 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीजेपी के नेता चौधरी लाल सिंह सीबीआई से मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर लाल सिंह जम्मू से कठुआ तक की रैली निकाली है। आपको बता दें कि लाल सिंह ने मौजूदा क्राइम ब्रांच की जांच को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्नाव केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेगर के खिलाफ सीबीआई ने 4th एफआईआर दर्ज की है। सेगर के खिलाफ एफआईआर पीड़िता का बयान लेने के बाद दर्ज की गई, और इसी बीच सीबीआई ने पीड़िता के पिता की पिटाई के बाद हिरासत में मौत की भी जाँच शुरू की है। सेगर के खिलाफ इस 4th एफआईआर में पीड़िता के 10 जून 2017 को घर से लापता होने और 10 दिन के बाद कानपुर में बरामदगी के संबंध में दर्ज की गई। आपको बता दें कि महिला आरोपी शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह को भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है।